तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्वालिटीज़ या फीचर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें हमने चार डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि रिगरसनेस थी, उसके अंदर परपजिवनेस था, मतलब वो रिगरस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, परपजिव होती है, रेप्लिकेबिलिटी होती है उसके अंदर, और ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ये चार पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर फोर पॉइंट्स कि जो एक हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर फर्दर और कौन सी बातें होना ज़रूरी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करें। फिफ्थ जो पॉइंट है, जो फिफ्थ जो क्वालिटी है एक साइंटिफिक रिसर्च में, जो एक साइंटिफिक रिसर्च के अंदर होनी चाहिए, वो आपके पास है टेस्टेबिलिटी, कि आपकी रिसर्च टेस्टेबिलिटी हो, आपकी जो रिसर्च है उसको टेस्ट किया जा सके। ये ना कि सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट होगी बस ख़त्म, आप उसको दोबारा कंडक्ट नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस रिसर्च को जब चाहे, जब जब जहाँ चाहे उसको रिसर्च को कंडक्ट कर सकें और उसको टेस्ट कर सकें। तो इसमें ये होता है कि फ्रेंड्स, कि आप जब साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप एक हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं लॉजिकली, ठीक है। रिसर्चर जो होता है वो इसी मतलब हाइपोथेसिस डेवलप करता है, और जो हाइपोथेसिस होता है वो मैंने बताया पहले डिस्कस किया है कि वो वेरिएबल्स, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसके दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। वेरिएबल्स अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी वीडियो देख सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसकी जो टाइप्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक रिसर्च में बताया था कि हाइपोथेसिस होता है, और हाइपोथेसिस बेसिकली क्या कहता है कि वो वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप जो रिलेशन होता है उसका, या उसका जो ताल्लुक, जो लिंक होता है उसकी एस्टिमेशन होती है, उसका वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। तो वो कह रहे थे इसमें इसमें लॉजिकली होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। और अब आप जो साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि आप मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो आप जो रिलेशन जो हैं, जो रिलेशनशिप्स वेरिएबल्स के बिटवीन हैं, उनको आप टेस्ट कर सकें, ठीक है। कि आपकी जो रिसर्च ने बताया ना टेस्टेबिलिटी है, तो टेस्टेबिलिटी कब होगी, जब आप अपनी रिसर्च को टेस्ट कर पाएंगे। और टेस्ट कैसे करेंगे, डिफरेंट टूल्स होंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं। क्यों आप स्टैटिस्टिकल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉजिक आ रहा है। मैथ क्या है, बेसिकली लॉजिक पे है, ब्रेन के ऊपर है, इसमें कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं कि मेरा दिल चाहे मैं ऐसा आंसर निकाल दूँ। आप मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे होते ना, जो एक डिफाइंड मेथड होता है आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो एक गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसमें अपनी तो कोई नहीं लेके आते। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो फिर तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रिसर्च होती है उसमें टेस्टेबिलिटी होती है, कि आप अपनी रिसर्च को टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट अब कैसे करेंगे, आप मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करेंगे, ताकि आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको, दिमाग का जो रिलेशन है, जो आउटपुट निकल रहा है उसको टेस्ट कर सकें। तो जो टेस्टेबिलिटी है वो साइंटिफिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होती है, ठीक हो गया। फिफ्थ क्वालिटी हो गई, अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है प्रिसीजन, कि आपकी जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर प्रिसीजन होना चाहिए, प्रिसाइजनेस होनी चाहिए, मतलब बहुत ही टू द पॉइंट, टू क्लियर हो। अब इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स के जो प्रिसीजन होता है कि आपकी का जो रिज़ल्ट निकला है, जो आपकी आउटपुट निकली है, या जो आपको डाटा आउटपुट से निकला है या कंक्लूजन निकला है, उसके अंदर कितना एग्जैक्टनेस है, हाउ मच टू मच एक्सटेंट द एग्जैक्टनेस ऑफ योर रिज़ल्ट इज देयर, तो वो आपका होगा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, कि प्रिसाइज रहें, कहते हैं ना कि अपना पॉइंट, अपनी बात टू द पॉइंट बात करें, इधर उधर ना घूमें। तो ये इधर होती है कि आपने इधर उधर नहीं घूमना, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन है उसके हद तक रहना है, अपना जो क्वेश्चन है और अपना जो प्रॉब्लम है, जो रिसर्च है उसके ऊपर रहना है। तो प्रिसीजन का मतलब ये है कि किस डिग्री तक, टू मच डिग्री या टू मच एक्सटेंट द रिजल्ट्स ऑफ योर आर अवेलेबल, मतलब द एग्जैक्टनेस ऑफ योर रिजल्ट्स आर देयर, मतलब आपका जो रिजल्ट है फॉर एग्जाम्पल, किस डिग्री तक वो एक्यूरेट है, लाइक 98% है, 95% है, 99% है, 90% है, या 50% है। तो आप किस डिग्री तक, किस लेवल तक आपका जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ठीक है, एक्यूरेट है, तो ये आपकी होती है प्रिसाइजनेस, ठीक है। तो आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर प्रिसाइजनेस होनी चाहिए, ताकि आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो बेस होगा एविडेंस के ऊपर, आपका जो रिसर्च का कंक्लूजन या आउटपुट निकलेगा वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया है कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कि वो फैक्ट बेस्ड पे हो, उसके अंदर इमोशनल वैल्यूज ना हो, आपकी खुद की थिंकिंग ना हो,
मतलब खुद की थिंकिंग मीन्स कि आपकी अपनी क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन ना हो, जो चीज़ साइंस ने बताई है, जो साइंटिफिक एक मेथड है उसको फॉलो करे, ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई बायसनेस ना हो, कोई अपनी मनमानी ना हो, इट मीन्स सिंपल के ना। तो ये फ्रेंड्स आपकी होती है प्रिसाइजनेस, ठीक है, उसके अंदर प्रिसाइजनेस होती है, एविडेंस बेस पे है, ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है। सिक्स एलिमेंट भी हो गया, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक हो गई, फीचर हो गया साइंटिफिक रिसर्च का। अब हम आते हैं सेवन्थ। सेवन जो फ्रेंड जो साइंटिफिक रिसर्च की क्वालिटी होती है वो होती है पार्सिमनी, कि आपकी रिसर्च के अंदर पार्सिमनी हो। अब पार्सिमनी क्या मतलब क्या होता है, कि पार्सी की मनी का मतलब ये है कि आपकी जो रिसर्च है वो सिंपल हो और इकोनॉमिक मैनर में हो। मीन्स ये कि वो एक्सपेंसिव ना हो, कि ये ना हो कि कोई कर ही ना सके, बहुत कम लोग, इकोनॉमिकल हो, सिंपल हो, सस्ती हो, चीप हो, इजी टू कंडक्ट हो, सिंपल हो, ठीक, और क्या कह सके, मतलब ये है कि उसके अंदर पारसी मनी होनी चाहिए। मीन्स पारसी मनी के बता दिया मैंने कि जो रिसर्च है वो सिंपल हो और इकोनॉमिक मैनर में कंडक्ट की जा सके, उसके अंदर मतलब सिंपलिसिटी हो, कि जो प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स वो एक्सप्लेन इजीली कर सकें, ठीक है, और जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो उसको आप इजीली समझ सकें, उसको जनरलाइज कर सकें, तो आपको कोई मुश्किल ना हो, ये ना कि आपको प्रॉब्लम समझ ही ना हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो, इतना डिफिकल्ट हो, इतना टफ हो कि आप उसको मतलब अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, और इतना उसके अंदर आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, वो एक्सपेंसिव हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो सिंपल होनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया जा सके और उसके सोल्यूशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकें और उसको अंडरस्कोर कर सकें, मतलब उसको क्या है सोल्यूशंस को समझ सकें, ठीक है। मीन्स ये है कि आपकी रिसर्च के ऊपर रिसर्च में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी हो, क्लियर कॉन्सेप्ट हो, क्लैरिटी हो, क्रिस्टल क्लियर हो और आसान हो, सिंपल लैंग्वेज में हो, सिंपल वे में हो, तो ताकि हर पर्सन इजीली उसको कंडक्ट कर सके। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च की क्वालिटी होती है। ओके हो गया फ्रेंड्स, अब लास्ट इसके ऊपर आते हैं, रिसर्च की जो क्वालिटी है, जो फीचर है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका जो लास्ट है फीचर वो है जनरलाइजबिलिटी, ठीक है, कि आपकी जो रिसर्च है साइंटिफिक उसके अंदर जनरलाइजबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स आप उसको जनरलाइज कर सकें, ठीक है, मतलब आपकी जो रिसर्च है उसके अंदर जनरलाइजबिलिटी मतलब जनरल कर सकें, मतलब आप उसको इजीली मतलब तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, मतलब इट मीन्स कि जो रिजल्ट्स आपने ऑब्टेन किए हैं अपनी रिसर्च में वो एप्लीकेबल हो और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, मतलब ये ना कि जो रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया वो सिर्फ आपको ही समझ आ रहे हैं, सिर्फ आपकी लिमिट तक है, आपकी बाउंड्री तक है, आपकी हद तक है, सिर्फ आपको ही उसकी समझ है और सिर्फ आपको ही वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मुझे मिल रहे हैं और आपको नहीं मिल रहे, नहीं, जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो रिजल्ट्स आपको भी मिलें, वो रिजल्ट्स किसी भी दूसरे बंदे को मिलें पूरी वर्ल्ड वाइड में, तो इसे हम कहते हैं कि इसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं जनरलाइजबिलिटी, कि वो जो रिसर्च है वो कोई भी जब कंडक्ट करे तो उसको वो वैसा ही रिजल्ट मिले, उसको वो वैसा ही आउटपुट मिले, उसको वो वैसा ही सारा हो जैसा आपने किया है, सेम मेथड हो, सेम सोल्यूशन हो, सेम प्रॉब्लम हो, तो इस तरह करके, तो इसे कहते हैं जनरलाइजबिलिटी, ठीक है। जनरलाइजबिलिटी जो है फ्रेंड्स वो स्कोप को रेफर करती है, कि आपके जो रिसर्च फाइंडिंग है उसका कितना स्कोप है, कितनी उसकी जो है ना वो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, जितना ज़्यादा वो एप्लीकेबल होगा, जितना ज़्यादा वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा, उतना ज़्यादा उसका स्कोप होगा, उतना ज़्यादा आप उसको जनरलाइज कर पाएंगे। तो रिसर्च फाइंडिंग्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग होती है, तो ऑलमोस्ट मतलब उसके सिमिलर नेचर उसकी होनी चाहिए, मतलब जो आपकी मैं निकाला है सेम आपका आंसर वो आपका भी आना चाहिए। इतनी ज़्यादा रिसर्च जनरलाइजेबल होगी, रिसर्च को जितना आप जनरलाइज कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च यूज़फुल होगी और उतनी ज़्यादा रिसर्च आपकी वैल्यूएबल होगी, उतनी ज़्यादा रिसर्च आपकी अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि 100% के हर दफ़ा जो आपकी रिसर्च है वो जनरलाइज कर सकें, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि आपकी रिसर्च को जनरलाइजेबल होना चाहिए, कि आप उसको जनरलाइज कर सकें, हर बंदा उसको अप्लाई कर सके, उसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हो, एप्लीकेबिलिटी हो, ठीक है, और जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसको वो
मतलब जो है वो जनरलाइज कर सके, जो फाइंडिंग्स हैं, जो आउटपुट है वो जो है इजीली निकल सके, ताकि कोई भी सिचुएशन हो तो कि वो आंसर सेम ही आए। कहीं भी कोई बंदा बैठा हो तो वो उस एपरेटस को यूज़ करे तो उसको भी वही आंसर मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत कि मैंने आपको समझाऊं कि क्या रिसर्च होती है, रिसर्च प्रोसेस, साइंटिफिक रिसर्च, उसकी कौन सी फीचर्स होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, समझ आ गए हो, थोड़ी सी आसानी हुई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट दे सकते हैं, जैसे भी कमेंट हो आप बता सकते हैं, ताकि मैं फर्दर इसको इम्प्रूव करूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।